हे गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। गाइस, आज वाली वीडियो में मैं आप लोगों को लिबड्रॉइड का बेस्ट वर्जन प्रोवाइड करने वाला हूं, जिसको यूज करते हुए आप लोग अपने लो एंड पीसी पे इजीली फ्री फायर को प्ले कर सकते हैं। गाइस, इस वीडियो में मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आप लोगों ने लिबड्रॉइड में फ्री फायर को कैसे सेटअप करना है। सो गाइस, वीडियो को स्टार्ट से एंड तक लाजमी देखिएगा, ताकि आप लोगों को इस तमाम प्रोसेस की अच्छी तरह से समझ आ सके। तो चलेंगे इस वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, इसके लिए सबसे पहले आप लोगों ने यह करना है कि लिबड्रॉइड की इस वाली फाइल को डाउनलोड कर लेना है, जिसका लिंक आप लोगों को पिन कमेंट में मिल जाएगा। इस फाइल को डाउनलोड करने के बाद सिंपली आप लोग इस पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके सिंपली इसको ओपन कर लेंगे। जैसे गाइस आप लोग लिबड्रॉइड की फाइल को ओपन करेंगे, कुछ इस तरह का इंटरफेस आप लोगों को शो होगा। यहाँ पे कुछ टर्म्स ऑफ कंडीशंस वगैरह दी होती हैं, इनको अगर आप लोग रीड करना चाहें तो रीड कर सकते हैं। उसके बाद आप लोगों ने सिंपली आई एग्री पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे गाइस लोकेशन आ जाती है, अगर आप लोग लोकेशन को चेंज करना चाहें जहाँ पे लिबड्रॉइड एमुलेटर इंस्टॉल होगा, तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ से लोकेशन को चूज करने के बाद सिंपली आप लोगों ने स्टार्ट इंस्टॉलेशन पे क्लिक कर देना है। जैसे गाइस आप लोग स्टार्ट इंस्टॉलेशन पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे लिबड्रॉइड हमारे पीसी में इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। गाइस, इसकी इंस्टॉलेशन का प्रोसेस विद इन 10 टू 15 सेकंड्स कंप्लीट हो जाएगा। एंड जैसे गाइस लिबड्रॉइड एमुलेटर इंस्टॉल होगा, तो ये ऑटोमेटिकली लॉन्च हो जाएगा। सो यहां पे गाइस हमारे पास लिबड्रॉइड एमुलेटर इंस्टॉल हो चुका है। जैसे ये ओपन होता है, तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आप लोगों को देखने में मिलेगा। अब सबसे पहले तो गाइस आप लोगों ने यह करना है कि इसमें कुछ अननेसेसरी एप्स वगैरह आप लोगों को रेकमेंड करते हैं, उनको आप लोगों ने एप्स और सेटिंग्स में जाने के बाद अनइंस्टॉल कर देना है। इसके लिए सिंपली आप लोग एंड्रॉइड वाली सेटिंग्स को ओपन करेंगे। यहां पे हम लोग सिंपली एप्स वाले सेक्शन में जाएंगे और ये जितनी भी एप्स होंगी इनको वन बाय वन करके आप लोगों ने अनइंस्टॉल कर देना है। गाइस, इनको अनइंस्टॉल करने का ये फायदा होगा कि ये जो अननेसेसरी कैश फाइल जनरेट करती हैं तो वो नहीं करेंगी, जिसकी वजह से ओवरऑल इस एमुलेटर में आप लोगों को अच्छा एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। यहाँ पे गाइस एप्स को अनइंस्टॉल करने के बाद अब आप लोगों ने गूगल प्ले स्टोर को डिसेबल करना है। यहाँ पे आप लोग गूगल प्ले स्टोर को ओपन करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग इसका जो डाटा होगा उसको क्लियर कर देंगे। उसके बाद फर्स्ट स्टॉप पे क्लिक करके इसको बैकग्राउंड से स्टॉप कर देंगे एंड उसके बाद डिसेबल पे क्लिक करके गूगल प्ले स्टोर को डिसेबल कर देंगे। उसके बाद अगर आप लोग सेटिंग्स में स्क्रॉल डाउन करते हो नीचे आएंगे, तो यहाँ पे आप लोगों को अबाउट टैबलेट का एक ऑप्शन मिल जाएगा। इस पे क्लिक करने पे आप लोगों को यहाँ पे एंड्रॉइड वर्जन पे अगर आप लोग सेवरल टाइम्स क्लिक करते हैं, तो गाइस इसमें आप लोगों को एंड्रॉइड वर्जन 4.4.4 मिल जाता है, जो कि लो एंड पीसी के लिए काफी ज्यादा कंपैटिबल है। उसके बाद सिंपली गाइस आप लोग सेटिंग्स को क्लोज करेंगे और अब हम लोग इसमें फ्री फायर को इंस्टॉल करेंगे। फ्री फायर को इंस्टॉल करने के लिए गाइस आप लोगों को यहाँ पे लिबड्रॉइड एमुलेटर की राइट साइड पे ये जो टूल बार है, इसमें एक इंस्टॉल एपीके का ऑप्शन मिल जाएगा। इस पे सिंपली आप लोगों ने क्लिक करना है और आप लोगों के पीसी में जहाँ पे भी एपीके फाइल पड़ी होगी, तो सिंपली आप लोगों ने इसको सिलेक्ट करने के बाद ओपन पे क्लिक कर देना है। एपीके फाइल को यहाँ पे लिबड्रॉइड एमुलेटर में ओपन करने के बाद सिंपली आप लोग नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन आ जाएगा। इंस्टॉल पे क्लिक करने पे गाइस फ्री फायर यहाँ पे लिबड्रॉइड एमुलेटर में इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगी। सो यहाँ पे गाइस हमारे पास फ्री फायर इंस्टॉल हो चुकी है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे डन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे गाइस अगर आप लोगों का फ्री फायर का अकाउंट फेसबुक पे बना हो, तो सिंपली आप लोग लिबड्रॉइड एमुलेटर में जो ब्राउजर का ऑप्शन आता है इसको ओपन करेंगे और यहाँ पे सिंपली सर्च करेंगे FB लॉगिन। यहाँ पे आप लोगों को फेसबुक लॉगिन और साइन अप का एक ऑप्शन मिल जाएगा, इसको सिंपली ओपन करेंगे। यहाँ पे गाइस आप लोगों ने सिंपली अपनी फेसबुक का ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड पुट करना है और सिंपली लॉगिन पे क्लिक कर देना है। फेसबुक आईडी को लॉगिन करने के बाद सिंपली आप लोग ब्राउजर को कर देंगे क्लोज। और गाइस अब हम लोग बात करेंगे लिबड्रॉइड एमुलेटर की बेस्ट सेटिंग्स के बारे में, जो आप लो एंड पीसी के लिए कर सकते हैं। तो सिंपली आप लोग यहाँ से सेटिंग्स को ओपन करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले डिस्प्ले में आप लोगों को रेजोल्यूशन चूज करने का ऑप्शन मिल जाएगा। गाइस अगर आप लोगों के पास एक लो एंड पीसी हो, तो यहाँ पे आप लोग 900x600 रेजोल्यूशन रख सकते हैं। अगर डीपीआई की बात की जाए, तो डीपीआई आप लोगों ने 240 रखनी है। एंड यहाँ पे गाइस ये जो एक ऑप्शन होगा लॉक एस्पेक्ट रेशियो, इसको आप लोगों ने सिंपली ऑफ कर देना है। उसके बाद गाइस अगर आप लोग ग्राफिक सेटिंग में आते हैं, तो यहाँ पे आप लोग डायरेक्ट एक्स एंड ओपन जीएल को ऑल्टरनेटिवली 1:1 चूज करके ये देख सकते हैं कि आप लोगों को किस पे ज्यादा परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। सो अगर आप लोगों के पीसी में कोई भी ग्राफिक कार्ड ना हो और बिल्ट इन ग्राफिक्स मेमोरी भी ना हो, तो आप लोग डायरेक्ट एक्स को चूज कर सकते हैं। इसके बाद बाकी जो सेटिंग्स होंगी इनको आप लोगों ने डिफॉल्ट ही रहने देना है। उसके बाद सेव पे क्लिक करेंगे और लिबड्रॉइड एमुलेटर को एक बार रिस्टार्ट कर लेंगे, ताकि हमने जितनी भी ये सेटिंग्स की हैं तो वो लिबड्रॉइड एमुलेटर में एक बार अप्लाई हो जाए। सो गाइस यहाँ पे लिबड्रॉइड एमुलेटर को रिस्टार्ट करने के बाद अब हम लोग फ्री फायर को ओपन करेंगे और अब हम लोग बात करेंगे लिबड्रॉइड एमुलेटर में फ्री फायर की बेस्ट की मैपिंग एंड सेंसिटिविटी के बारे में। सो गाइस जब तक फ्री फायर ओपन होती है, जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर देना। और आप लोगों में से जितने भी लोग चैनल पे न्यू हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना। सो यहाँ पे गाइस हमारे पास फ्री फायर विदाउट एनी एरर ओपन हो चुकी है। उसके बाद आप लोग साइन इन विद फेसबुक पे क्लिक करेंगे और फेसबुक आईडी को यूज करते हुए आप लोग यहाँ पे फ्री फायर में लॉगिन हो जाएंगे। जैसे गाइस यहाँ पे आप लोग लिबड्रॉइड एमुलेटर में फ्री फायर से लॉगिन करेंगे, तो समटाइम्स ऐसे ब्लैक स्क्रीन आ रही होती है, इसमें आप लोगों ने परेशान नहीं होना। सिंपली आप लोग यहाँ पे ओवरव्यू पे क्लिक करने के बाद फ्री फायर को एक बार दोबारा से ओपन कर लेंगे, तो ये वाला जो आपका एरर है ब्लैक स्क्रीन वाला, ये इजीली रिजोल्व हो जाएगा। उसके बाद सिंपली गाइस टैप टू बिगिन पे क्लिक करके हम लोग सिंपली फ्री फायर में इंटर हो जाएंगे। अब हम लोग बात करेंगे फ्री फायर की इन गेम सेटिंग्स के बारे में और लिबड्रॉइड की मैपिंग के बारे में। सो सिंपली यहाँ से गाइस आप लोग फ्री फायर की सेटिंग्स को ओपन करेंगे। यहाँ पे हम लोग
कंट्रोल्स में आने के बाद कस्टम एचडी को ओपन करेंगे और लिपड्रॉइड एमुलेटर की मैपिंग को ओपन करने के बाद सबसे पहले गाइस आप लोगों ने यहाँ पे जो जॉयस्टिक होती है इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे ये जो जॉयस्टिक वाला बटन होता है इस पे जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे जॉयस्टिक वाला बटन आ जाएगा। उसके बाद गाइस यहाँ पे ये जो माउस को लॉक एंड अनलॉक करने वाला बटन होता है इस पे आप लोग क्लिक करने के बाद यहाँ पे इसको कहीं पे भी रख सकते हैं। उसके बाद आ जाएगा हमारे पास फायर बटन, इस पे भी आप लोग क्लिक करने के बाद इसको फायर बटन पे एडजस्ट कर लेंगे। उसके बाद बाकी जो कीज होंगी गाइस उनको आप लोग जैसे भी एडजस्ट करना चाहें आप लोग अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकते हैं। सो गाइस इस तरह से आप लोगों ने फ्री फायर में की मैपिंग को कर लेना है। उसके अलावा गाइस अगर आप लोगों को लिपड्रॉइड एमुलेटर में एम एक्यूरेसी से रिलेटेड कोई भी इशू आए तो ये जो माउस को लॉक एंड अनलॉक करने वाला बटन होता है इसकी पोजीशन को आप लोगों ने आगे पीछे करके देख लेना है, इससे आप लोगों का जो एम से रिलेटेड जो भी इशू होगा वो रिजोल्व हो जाएगा। उसके अलावा गाइस आप लोग राइट माउस क्लिक को यूज करते हुए माउस को लॉक या फिर अनलॉक कर सकते हैं लिपड्रॉइड एमुलेटर में। सो गाइस फिर भी अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी चीज अगर आप लोगों को समझ में ना आई हो तो आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के हर कमेंट का टाइमली आंसर कर सकूं। सो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और अगर आप लोग चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर देना। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।